तो सबसे पहले मैं घर वालों से ही शुरुआत करता हूँ। अब से नहीं, बचपन से ही मुझे चलना सिखाया मेरे पापा ने। फादर्स डे पे लिखी थी, अब से नहीं बचपन से ही चलना सिखाया मुझे मेरे पापा ने, जो मांगा वो दिलाया और हर शौक पूरा कराया मेरे पापा ने। मेरी खुशियों की तलाश में तकलीफ़ों का बोझ भी उठाया मेरे पापा ने। किस्मत का मैं मारा जमी घूर रहा था, मगर आसमां तो दिखाया मेरे पापा ने। क्या होता है पापा का होना, क्या होता है पापा का होना, जरा पूछो उसे जिसने अपने बाप को खोया है। जिसे सब कहते रहे पत्थर यानी मैं, जिसे कहते रहे सब पत्थर यानी मैं, उसे चमकाकर हीरा बनाया मेरे पापा ने। यार मेरा फ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से दोबारा पैचअप करने चला था, तो उसके लिए मैंने लिख दिया था कि उसी काफिर से फिर मोहब्बत करना तुम्हारी मजबूरी है क्या, उसी काफिर से फिर मोहब्बत करना तुम्हारी मजबूरी है क्या, यूं हर बार एक ही शख्स से कटवाना इतना ज़रूरी है क्या। और उसका दोबारा से ब्रेकअप हुआ, उसका फिर से दोबारा से ब्रेकअप हो गया। उस पहली मुलाकात की याद कुछ धुंधली सी है, उस पहली मुलाकात की याद कुछ धुंधली सी है, अब तो फिर से तुम्हें आकर मिलना पड़ेगा। गुलाब तो आते आते मैं ले आऊँगा, मगर गुलाब के जैसे तुम्हें खिलना पड़ेगा। यहाँ लोग कच्चा खिलाड़ी बताते हैं मुझको, यहाँ लोग कच्चा खिलाड़ी बताते हैं मुझको, यानी कि पकने के लिए थोड़ा तो जलना पड़ेगा। बहुत जीलिए शरीफों की जिंदगी देवेश, बहुत जीलिए शरीफों की जिंदगी देवेश, लगता है अब तुम्हें अपना किरदार बदलना पड़ेगा। सख्त से सख्त लौंडे हैं शहर में, सख्त से सख्त लौंडे हैं शहर में, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी एक मुस्कान पर उनको भी पिघलना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी एक मुस्कान पर उनको भी पिघलना पड़ेगा। जायज सी बात है, जायज सी बात है, तुम बहुतों के दिलों पर राज करती होंगी अगर तुम्हारे दिल में कोई है। जायज सी बात है, तुम बहुतों के दिलों पर राज करती होंगी अगर कोई तुम्हारे दिल में है, तो उसे मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ेगा। आखिर अब तुम खुद ही मुझे हर शख्स से अच्छा बताती हो, अब तुम खुद ही मुझे हर शख्स से अच्छा बताती हो। सुनो, दूर जाने से पहले थोड़ा सोच लेना, छोड़ने के बाद हाथ मलना पड़ेगा। ये आजकल का अजीब इश्क आज शुरू और कल खत्म हो जाता है। ये आजकल का अजीब इश्क आज शुरू और कल खत्म हो जाता है। अगर मेरे साथ आना है तो वादा करो हमेशा साथ चलना पड़ेगा। ये आखिरी है कि ये ब्रेकअप के बाद वाली है कि वैसे तो तू माफ़ी के भी लायक नहीं, वैसे तो तू माफ़ी के भी लायक नहीं, फिर भी शुक्रिया तेरा, तूने ज़िंदगी में कई तजुर्बे दिए हैं। कितने ही किस्से हैं हमारे, तू कहे तो दुनिया को बता दूं क्या। आगे आपको मज़ा आएगा कि जो तेरा नाम मैंने अपनी कलाई पर लिखवाया था, जो तेरा नाम मैंने अपनी कलाई पर लिखवाया था, अब लोग उसके बारे में पूछते हैं कुछ कह नहीं पाता, लोग उसके बारे में पूछते हैं तो कुछ कह नहीं पाता। सोचता हूँ लिखा रहने दूँ, अगर तू चाहे तो मिटा दूँ क्या। कि आज भी तेरी कही हर बात मेरे दिल के मेमोरी कार्ड में सेव है। जब भी देखता हूँ परेशान कर जाती हैं, सोच रहा हूँ डिलीट बटन दबाऊँ और हटा दूँ क्या। और शुक्रिया कि आंसू तो अब सूख गए मगर जख्म अभी तक भरे नहीं। तेरे चाहने वाले नमक छिड़कने आ जाते हैं और मेरे चाहने वाले मेरा हाल पूछने आए हैं। इजाज़त हो तो तूने जख्म कितने गहरे दिए हैं, सबको दिखा दूं क्या। और वो तेरा आई लव यू टू लिखा हुआ लेटर, तेरा वो आई लव यू टू लिखा हुआ लेटर आज भी मेरे ज़रूरी कागजातों में शामिल हुआ रखा है। तुम्हारा आई लव यू टू लिखा हुआ लेटर मेरे आज ज़रूरी कागजातों में शामिल हुआ रखा है। सोचा था हमेशा संभाल कर रखूँगा उसे। तकलीफ़ होती है तो सोचता हूँ राख कर दूँ जला दूँ क्या। कि ये वो मेरी शादी में ज़रूर आना मूवी देखी होगी सबने, तो ये उसी को देखकर लिखी थी कि लोगों के दिल क्या टूटे,
फिर ना जाने कैसे कैसे काम किए हैं। लोगों के दिल क्या टूटे, फिर ना जाने कैसे कैसे काम किए हैं, कुछ ने गलत कदम उठाए, तो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं या कुछ के हाथों की नसें काट लिया से कुछ के, कुछ ने गलत कदम उठाए और कुछ ने यूपीएससी तक क्लियर कर इंतकाम लिए हैं। वैसे मैं तो एक सीधा साधा लड़का हूँ, वैसे मैं तो एक सीधा साधा लड़का हूँ, अब कुछ बड़ा करके मैं भी जिला हिला दूँ क्या। थैंक यू शुक्रिया के अब ये औकात दिखाने वाले कि गुस्सा तो बहुत है थोड़ा तो जताने दो, गुस्सा तो बहुत है थोड़ा तो जताने दो, खैर अब छोड़ो भी और जाने दो, इन्हें खुद को सच्चा मुझे झूठा बताने दो, ये गिरगिट हैं जनाब, रंग बदलना तो फितरत है इनकी, इन्हें अपनी औकात दिखाने दो। तो ये छोटा सा कि एक शख्स वो तब था नहीं तो चाहत थी, वो तब था नहीं तो चाहत थी, और वह है नहीं तो राहत है। शुक्रिया।